गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोगों ने लास्ट जो क्लास है हमारा उसमें कवर किया था अबाउट प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। प्लांट ब्रीडिंग हम लोग बहुत सारे पर्पस के लिए करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग हम लोग करते हैं किसी प्लांट को डिजीज से रेसिस्टेंस करने के लिए। प्लांट ब्रीडिंग करते हैं हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को यानी एल्डिंग को बढ़ाने के लिए। प्लांट ब्रीडिंग करते हैं हम लोग इंसेक्ट रेसिस्टेंस प्लांट के लिए, यानी कि उस प्लांट पे कोई इंसेक्ट का अटैक ना हो सके। तो ऐसे बहुत सारे पर्पस हैं जिसकी वजह से हम लोग प्लांट ब्रीडिंग करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग से हम लोग ये जो इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स थे वो कंप्लीट किए थे कि प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू अगर हमें कोई प्लांट को डिजायरेबल प्लांट को डेवलप करना है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, वो सारे स्टेप्स को कंप्लीट किया था। आज इसके बाद में हम लोगों को स्टार्ट करना है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति, यानी कि इसी को कहते हैं हम लोग हरित क्रांति। देखिए, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यानी यह डेवलप कर रहा है, और इस डेवलपिंग कंट्री का जो मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वह एग्रीकल्चर है। जो हमारे टोटल एम्प्लॉयमेंट का लगभग 62% पार्ट कवर करता है और हमारे टोटल जीडीपी का 33% पार्ट को कवर करता है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमने अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, जो हमारा प्लांट का प्रोडक्ट था उसको इंक्रीज किया, और इंक्रीज करके अपने पॉपुलेशन के जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट थे उसको फुलफिल किया। तो हमने क्या कहा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वह प्लांट के यील्डिंग को बढ़ाने की वजह से जो हमारी, तो यहां पर 33% ये टोटल जीडीपी का कवर करता है और 62% एम्प्लॉयमेंट देता है। कौन किसके वजह से ये पॉसिबल है, तो यह ग्रीन रिवॉल्यूशन के वजह से। ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। इंडिया इज मेनली एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया इज मेनली एग्रीकल्चरल कंट्री विच कंट्रीब्यूट 33% ऑफ इंडियन जीडीपी एंड गिव्स एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट 62%। द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ वीट एंड राइस इन वीट एंड राइस इन 1960 इंक्रीज यील्ड पर यूनिट एरिया जहां पर मान लीजिए
कि कहीं पर एक एकड़ में या एक हेक्टेयर में 100 टन, एग्जाम्पल लेके चल रहा है, 100 टन जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी वह ग्रीन रिवॉल्यूशन आने से 140 या 150 टन प्रोडक्टिविटी हो गई उसी हेक्टेयर में पर हेक्टेयर, और ये पर तो कितना बढ़ गया, लगभग 40 से 50 टन एक हेक्टेयर में बढ़ गया। तो पूरे इंडिया में इतना, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम, एक्चुअल में ये डेटा नहीं है, हम एग्जांपल समझाने के लिए कह रहे हैं कि इसी प्रोडक्टिविटी को, जो हाई रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी हमारा एग्रीकल्चर के फील्ड में जो बढ़ा है, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया, तो ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्ड वैरायटीज ऑफ राइस एंड व्हीट के, चावल और गेहूं के कुछ प्लांट को हम लोगों ने ऐसा डेवलप किया जिससे प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो गई, जिससे हमारा जो मेन क्रॉप प्लांट है वह बेसिक नीड को पूरा कर सका। दिस फेज इज ग्रीन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो दिस फेज इज ग्रीन रिवॉल्यूशन फ्रॉम 1962 2000, wheat production increased from wheat production increased from 11 million ton to million tons to 75 million ton। कब से कब के बीच में, 1960 से 2000 के बीच में, लगभग 40 साल में, ठीक। हमारा क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी कितना इंक्रीज हुआ, लैंड तो उतना ही है, लैंड तो नहीं बढ़ा हमारा, लेकिन प्रोडक्टिविटी इस 40 साल में देखिए कितना गुना बढ़ गया। जहां पर पहले हम लोग 11 मिलियन टन उसी लैंड में इतना प्रोडक्टिविटी कर पाते थे, आज ये कितना बढ़ के हो गया, 75 मिलियन टन हो गया। ये 2000 तक का डेटा है, अब ये आज हम लोग 2020 में है, तो ये बढ़कर के लगभग 100 मिलियन टन हो गया होगा, ठीक है। जबकि राइस में देखिए, व्हाइल राइस प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 35 मिलियन टन टू 89.5 मिलियन टन, तो ये कितना बढ़ गया, 35 मिलियन टन से 89.5 89.5 मिलियन टन तक ये इंक्रीज कर गया। दिस वॉज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ semi-dwarf varieties, semi-dwarf varieties of wheat and rice, dwarf wheat. ड्वार्फ वीट में देखिए, ये हमारा प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ पाया, प्रोडक्टिविटी इसलिए बढ़ पाया क्योंकि हमने सेमी ड्वार्फ और ड्वार्फ दो तरह के
न्यू वैरायटी को हमने डेवलप कर पाया। कैसे, इससे क्या फायदा हुआ, ड्वार्फ कहने का मतलब क्या हुआ। देखिए, जहां पे पहले प्लांट की हाइट, बात को समझेंगे, यहां पे मान लो यह एक वीट का प्लांट है और ये वीट प्लांट पहले ये समझिए 1 मीटर लेंथ होता था इसका। अब हमने क्या किया, इसके लेंथ को कम कर दिया तो टाइम कम पड़ गया, लंबाई जितना कम लेगा उतना टाइम कम लगेगा, और जो ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है उसका मैक्सिमम यूज वह सीड को डेवलप करने में लगाएगा। तो यानी अब इसका हमने क्या किया, तो 0.5 मीटर तक इसका लेंथ ऐसा जीन डाला जिससे यह 0.5 मीटर का ही लंबाई रखे, और उससे प्रोडक्टिविटी में कैसे ग्रोथ, क्योंकि यह मैक्सिमम टाइम अब क्या करेगा, मैक्सिमम टाइम यह सीड को ग्रोथ कराने में लगा देगा। तो जितना ज्यादा सीड होगा प्रोडक्टिविटी उतना बढ़ गई। हमें इस वीट के प्लांट के डंठल से और स्टेम से क्या मतलब है, नहीं मतलब है, थोड़ा मोड़ा चारा वगैरह पशुओं को खिलाने में, यानी कुछ काऊ बफैलो को खिलाने में काम आएगा, लेकिन अगर सीड की क्वालिटी जितना ज्यादा बढ़ेगी, सीड का नंबर जितना ज्यादा बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी हमारा मेन हाई होगा। तो वही कह रहा है कि कुछ सेमी ड्वार्फ और कंप्लीटली ड्वार्फ वीट प्लांट के राइस प्लांट को डेवलप करा के हमने ये अचीवमेंट पाया है। तो यहां पर देखिए, ड्वार्फ वीट, वीट में ड्वार्फिज्म के लिए एक जीन होता है जिसका नाम है नोरिन 10। ये नाम आपको याद रखना होगा, नोरिन 10। कहां इसकी डिस्कवरी हुई थी, तो ये डिस्कवर हुआ था जापान में। तो जापान, तो नोरिन 10 जीन वाज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोरिन 10। आइए लिखते हैं इस चीज को, नोरिन 10 जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, नोरिन 10 जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फिंग इन वीट वाच नोटिस इन जापान। तो कहां ये नोटिस हुआ था, कहां सबसे पहले देखा गया था, तो जापान में देखा गया था। नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ही द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ही फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ही फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इन्होंने ही सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था एट इंटरनेशनल सेंटर, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेक इंप्रूवमेंट इन फॉर वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट इन फॉर वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट इन मैक्सिको डेवलप सेमी ड्वार्फ वीट इन मैक्सिको डेवलप सेमी ड्वार्फ वीट सेमी ड्वार्फ वीट किसने, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट इन मैक्सिको। ये उस लेबोरेटरी का नाम था जो मैक्सिको में है, कहां पर, तो एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट इन मैक्सिको, और वहीं पर डेवलप किया था सेमी ड्वार्फ
वीट को। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं विच इज रेसिस्टेंस टू, तो ये जो सेमी ड्वार्फ वीट था वो क्यों, क्या क्या खासियत थी इसमें, विच इज रेसिस्टेंस टू वाटर लॉगिंग, कॉमन पैथोजेन, कॉमन पैथोजेन एंड पेस्ट फर्टिलाइजर एंड पेस्ट फर्टिलाइजर रेस्पॉन्सिबल एंड हैव ए स्मॉलर ग्रोथ। साइज छोटा है, स्मॉलर ग्रोथ होगा, स्मॉलर ग्रोथ पीरियड, समय कम लगेगा इसके ग्रोथ के लिए। अब भारत में जो इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, उनका नाम है एम.एस. स्वामी नाथन, मोकाम्बू रामबा शिवन स्वामीनाथन पूरा नाम है उनका। देखिए तो एम.एस. कोलैबोरेट विथ डॉक्टर बोरलॉग, कोलैबोरेट विथ डॉक्टर बोरलॉग फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्सिकन वेराइटीज ऑफ मैक्सिकन वेराइटीज ऑफ वीट इन इंडिया, जैसे सोनोरा 64 एंड लर्मा रोजो 64 were brought in India and modified through were brought in India and modified through gamma mutation through ये गामा म्यूटेशन, दैट मीन्स कहने का क्या मतलब हुआ, तो कहने का यहां पर ये मतलब हुआ कि जो ये दो ड्वार्फ वेराइटीज के प्लांट हुए किसके, तो वह वीट के। एम.एस. स्वामीनाथन ने कोलैबोरेशन यानी एक टाई ऑफ किया डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के साथ, और फिर क्या किया, सोनोरा 64 एंड लर्मा रोजो 64 इन दोनों को खरीदा, और खरीद करके
उसमें म्यूटेशन किया, म्यूटेशन किसके थ्रू, तो गामा रे के थ्रू, एक्स रे, अल्फा रे, कॉस्मिक रे, गामा रे, ये सारे जो रे हैं वो म्यूटेशन काउज करते हैं। म्यूटेशन का इफेक्ट गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह के जीन के सीक्वेंस में चेंजेस जा रहा है। म्यूटेशन का पोर्शन आपका पूरा डिटेल जेनेटिक्स और मोलिकुलर बायोलॉजी में चलेगा। तो म्यूटेशन का मतलब समझो कि डीएनए के सीक्वेंस में जो हम लोग चेंज लाते हैं उसको कहते हैं हम लोग म्यूटेशन। म्यूटेशन एस्पॉन्टेनियसली भी होते रहता है, आखिर इसी म्यूटेशन के वजह से इवोल्यूशन हुआ है, बस इतना समझो। फर्स्ट लाइफ कहां से ओरिजिन हुआ, तो फर्स्ट लाइफ ओरिजिन हुआ बैक्टीरिया से, और इसी में म्यूटेशन होते हैं, मिलियन ऑफ ईयर लग गए हमें आज ह्यूमन होमो सैपियंस सैपियंस बनने में। तो वो एस्पॉन्टेनियस यानी इन्वायरमेंट में जो जैसे जैसे चेंजे जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, म्यूटेशन होते चला जाएगा। तो ये सोनोरा 64 एंड लर्मा रोजो 64 को ला करके उसमें गामा से म्यूटेशन करा के इंडिया के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना करके और उससे प्रोडक्टिविटी के यील्ड को बढ़ाया गया, तो ये हुआ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। जैसे देखिए इन 1963 सोनालिका एंड कल्याण सोना, सोनालिका एंड कल्याण, कल्याण सोना, सोना वी आर इंट्रोड्यूसिंग ऑल वीट इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल वीट ग्रोइंग बेल्ट ऑफ इंडिया। तो वीट ग्रोइंग बेल्ट ऑफ इंडिया कहने का मतलब सिंपल समझे, सबसे ज्यादा वीट का एग्रीकल्चर कहां कहां, यूपी, बिहार, एमपी, ये मेजर स्टेट हैं, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र भी है कुछ, ये सब मेजर बेल्ट है। तो वहां पर इस वैरायटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, ठीक है। तो ये वीट की कहानी हो गई। अब हम लोग देखें थोड़ा सा, जैसे वीट में डॉर्फिज्म के लिए नोरिन 10 जीन रेस्पॉन्सिबल है, उसी तरह राइस के प्लांट में डॉर्फिज्म के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है जिसकी डिस्कवरी ताइवान ने की थी। किसने, ताइवान ने। आइए उसको देखते हैं हम लोग, डीओ जू वुन जीन करके है, तो ड्वार्फ राइस ये हुआ, ड्वार्फ राइस डी जीओ वो डी जीओ डी जीओ वो जेन जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिंग इन राइस, ड्वार्फिंग इन राइस वाज रिपोर्टेड इन ताइवान, ठीक है। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन राइस बाई, अब इस जीन को इंट्रोड्यूस कर दिए राइस में, ठीक है, इस जीन को, तो इट वॉज इंट्रोड्यूस इन राइस बाई
आई आर आर आई आई आर आर आई आई आर आर आई का कुछ फुल फॉर्म समझ सकते हैं, बता सकते हैं, गेस कीजिए। इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसी को कहते हैं आई आर आर आई। तो इंडिया का इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और फिर फिलीपींस और उसके साथ फिलीपींस की इंस्टीट्यूट फिलीपींस इन वेराइटीज लाइक आई आर एट आई आर एट आई आर ट्वेंटी फोर सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटीज वेयर डेराइव फ्रॉम सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटीज वेयर डेराइव फ्रॉम आई आर एट एंड कहां से इसको डेवलप किया गया सेमी ड्वार्फ। ये जो यहां पर नाम है आई आर एट और आई आर ट्वेंटी फोर और ड्वार्फ के लिए है और सेमी ड्वार्फ डेवलप किया गया। तो सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटीज वेयर डेवलप फ्रॉम आई आर एट एंड टाइचुंग नेटिव वन चुंग नेटिव वन वहां से डेवलप किया गया सेमी ड्वार्फ राइस को। इन 1966 सेमी ड्वार्फ वेराइटीज सेमी ड्वार्फ वेराइटीज जया एंड रत्ना जया एंड रत्ना वेयर डेवलप इन इंडिया आपको ये सब नाम याद रखना होगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि जया और रत्ना जो है वह किस क्रॉप के लिए है, तो किस प्लांट के लिए, तो ये दोनों नाम किसके लिए है, तो राइस से रिलेटेड है। सेमी ड्वार्फ राइस के वेराइटी के नाम में पूछ सकता है, ठीक। जैसे कल्याण और सोना जो है, कल्याण सोना वो किससे है, तो वह व्हीट प्लांट के सेमी ड्वार्फ के लिए है। तो ये सब नाम आपको जरूर से याद रखना पड़ेगा। अब आइए, ये हम लोगों ने देखा राइस को, अब आइए देखेंगे सुगर केन। देखिए सुगर केन में सैक्रम बारबेरी और सैक्रम ऑफिसिनेरम ये दो वेराइटीज अलग अलग हैं। सैक्रम बारबेरी एंड दूसरा वेराइटी है सैक्रम ऑफिसिनेरम, ठीक। सैक्रम बारबेरी के साथ खासियत है कि यह नॉर्थ इंडिया में ग्रो करता है, लेकिन इसमें शुगर के कंटेंट और यील्ड जो होते हैं वह कम होते हैं, यानी इसका साइज और मोटाई छोटा होगा और शुगर के कंटेंट कम होंगे। लेकिन यह नॉर्थ इंडिया में आसानी से ग्रो कर सकता है। लेकिन सैक्रम ऑफिसिनेरम इसमें शुगर के कंटेंट भी ज्यादा होंगे और यह हाई यील्डिंग होगा, लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर सकता है ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर ड्यूरिंग द विंटर सीजन।
ठंडी के टाइम पे नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है, जिसके वजह से यह शुगर केन नहीं हो सकता है। तो इसकी एक अपनी खासियत है, इसका एक अपना खासियत है, इसकी एक अपनी कमजोरी है, इसकी एक अपनी कमजोरी है। इसका खासियत क्या है, तो नॉर्थ इंडिया में ग्रो कर सकता है। कमजोरी क्या है, इसमें शुगर के कंटेंट कम है और जो स्टेम का मोटाई और लंबाई है वो छोटा, यानी लो यील्डिंग हो गया। जबकि सैक्रम ऑफिसिनेरा, इसकी कमजोरी क्या है कि यह नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर सकता है। और खासियत क्या है, तो इसमें शुगर के कंटेंट ज्यादा है। अब देखिए, ग्रो इन नॉर्थ इंडिया बट लो शुगर कंटेंट एंड यील्ड, और इसकी हाई शुगर कंटेंट एंड यील्ड बट डू नॉट ग्रो इन नॉर्थ, ग्रोइंग नॉर्थ इंडिया, ठीक है। अब अगर इन दोनों को क्रॉस करा दें हम, इन दोनों को क्रॉस करा दें, तो इससे एक नया वैरायटी मिलेगा। इन दोनों को क्रॉस कराएं तो न्यू वैरायटीज ऑफ शुगर केन, तो नया वैरायटी मिला। लेकिन इस न्यू वैरायटी में खासियत क्या होगी, दोनों की खासियत आ जाएगी। क्या क्या खासियत आ जाएगी, तो इसमें हाई शुगर कंटेंट, शुगर कंटेंट हाई हो गया एंड इल्ड, और इट एबल टू ग्रो इन नॉर्थ इंडिया। तो ये नॉर्थ इंडिया में अब ग्रो कर सकता है इन दोनों के क्रॉस कराने से। तो न्यू वैरायटी हमें मिल गया, तो इसी चीज को हम लोग ब्रीडिंग, अब न्यू वैरायटी मिला तो आसानी से नॉर्थ इंडिया में भी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इसे साउथ इंडिया में भी कर सकते हैं। तो ये न्यू वैरायटी से ये फायदा हुआ। तो ये हुआ शुगर केन का। अब आइए एक देखते हैं हम लोग मिलेट, ये हो गया होगा उम्मीद है आपका, सैक्रम बारबेरियन, सैक्रम ऑफिसिनेरम, ये दो चीज को याद रखिए, दोनों शुगर केन के वैरायटीज के नाम है। किसी एक की अपनी खासियत, दूसरी की अपनी खासियत। क्या क्या नाम है, तो सैक्रम बारबेरी नॉर्थ इंडिया के लिए है और सैक्रम ऑफिसिनेरम हाई शुगर कंटेंट के लिए और यील्ड के लिए है। अब आइए मिलेट जो है वो क्या है, प्लांट प्रोड्यूसिंग ए लार्ज क्रॉप ऑफ प्लांट प्रोड्यूसिंग ए लार्ज क्रॉप ऑफ ए स्मॉल सीड, लार्ज क्रॉप ऑफ ए स्मॉल सीड आर कॉल्ड कॉल्ड मिलेट्स। हाइब्रिड बाजरा, ज्वार, एंड मेज हैज बीन सक्सेसफुली डेवलप इन इंडिया। इट रेसिस्टेंट टू वाटर, स्ट्रेस
वेयर डेवलप। तो ये जो मतलब जो बड़े प्लांट है जिनके क्रॉप का साइज ज्यादा बड़ा है लेकिन सीड उसमें छोटे छोटे हैं, तो वैसे प्लांट को, वो ऐसे प्लांट में जो सीड होता है उसी को हम लोग मिलेट्स कहते हैं। ओके, अब आइए प्लांट ब्रीडिंग हम लोग करते क्यों हैं? तो प्लांट ब्रीडिंग हम लोग करते हैं डिजीज रेसिस्टेंस बनाने के लिए, यील्ड को बढ़ाने के लिए, इंसेक्ट रेसिस्टेंस बनाने के लिए, ये सारा चीज हम लोग करते हैं। तो ये मिलेट्स हो गया, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड ये बातें जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब आइए प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेसिस्टेंस। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेसिस्टेंस, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग हम लोग कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? तो प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं हम लोग डिजीज रेसिस्टेंस प्लांट बनाने के लिए। ए वाइड रेंज ऑफ फंगल बैक्टीरियल एंड वायरल पैथोजेन वायरल पैथोजेन अफेक्ट द यील्ड ऑफ cultivated crop especially in tropical climate तो अगर हम लोग ये काम कर लेंगे, ऐसा प्लांट बनाए जो पैथोजेन से इफेक्ट कम हो यानी उसमें बीमारी कम हो, तो बीमारी जितना कम होगा हमारा प्रोडक्टिविटी उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो वही चीज, सो यहां पर क्रॉप लॉस कैन बी अप टू 20 to 30% क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, इतना कम हो सकता है। इफ क्रॉप आर मेड डिजीज रेसिस्टेंस, डिजीज रेसिस्टेंस फूड प्रोडक्शन इज इंक्रीज, एंड यूज ऑफ फंगिसाइड एंड बैक्टेरिसाइड would be decreased। मतलब अगर ऐसा हम प्लांट बना ले जिसमें कोई बीमारी ना हो या बहुत कम हो, तो बीमारी से बचाने के लिए यानी बैक्टीरियल और फंगल इंफेक्शन से बचाने के लिए जो केमिकल जिसे हम लोग फंगिसाइड और बैक्टेरिसाइड केमिकल का जो यूज करते हैं प्लांट के ऊपर वो भी कम हो जाएगा। जितना कम इन केमिकल का हम लोग यूज करेंगे
हमारे सॉयल की क्वालिटी मेंटेन रहेगी, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कम होगा, ये सारे फैक्टर जो है वो हमें बेनिफिट देते हैं अगर ऐसा ब्रीड करके, यानी प्लांट ब्रीडिंग करके अगर प्लांट हम लोग तैयार करते हैं तो। अब देखिए एक रिलेशन है प्लांट के और एनवायरमेंट के और पैथोजन के बीच में। तो सबसे पहले होस्ट जीनोटाइप, होस्ट का मतलब होस्ट जीनोटाइप, पैथोजेन जीनोटाइप और एनवायरमेंट, ये तीनों का एक रिलेशन होता है किसी भी प्लांट में कोई डिजीज होने के लिए। ये देखिए कैसे रिलेशन आपको हम बताते हैं। नॉर्मली ठंडी के टाइम पे हमें जुकाम ज्यादा होती है फ्लू वगैरह, ठीक, या फिर तो वो ठंडी के टाइम पे क्यों, इन्वायरमेंट सपोर्ट किया उस पैथोजेन को। अब अगर कोई फ्लू या कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन हमारे अंदर हो रहा है तो हमारा बॉडी होस्ट प्लांट के अंदर हो रहा है तो प्लांट होस्ट, और प्लांट के अंदर हो रहा है तो उसके लिए प्लांट का जीनोटाइप, जीनोटाइप क्यों, यानी उसमें डिजीज रेसिस्टेंस करने की जीन की कमी है या वह जीन अभी उस समय वीक है, कमजोर है, तो उसी को कह रहे हैं होस्ट जीनोटाइप। अगर उस प्लांट के अंदर वैसा जीन डेवलप करा दें जो उस बैक्टीरियल इंफेक्शन को रोक सके तो यहां पर ये जीन से रिलेशन है, इसीलिए वह होस्ट जीनोटाइप। और पैथोजेन जीनोटाइप, कोई पैथोजेन किसी होस्ट के अंदर जाकर के डिजीज कर पा रहा है तो उसके लिए उसका जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो यही रिलेशन है पैथोजेन के जीनोटाइप का, होस्ट के जीनोटाइप का और एनवायरमेंट का, ये तीनों के रिलेशन से ही ये किसी प्लांट में क्या होता है, डिजीज हो सकता है। तो इंटरेक्शन इंटरेक्शन ऑफ डिजीज इन प्लांट डिपेंड्स ऑन दिस रिलेशन। तो इसी रिलेशन पे किसी डिजीज, कौन सा डिजीज किस प्लांट में होगा वो इसी रिलेशन पे डिपेंड करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज हैं जो इकोनॉमिकल प्लांट में होते हैं, उनका नाम और उनके पैथोजेन का नाम का हम लोग एक टेबल बनाएंगे यहां पर। ये अगर हो गया आपको तो अब चलिए यहां से अब हम लोग क्रॉप डिजीज और पैथोजेन, तो उस पार्टिकुलर पैथोजेन का नाम। देखिए जैसे पोटैटो में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, इन्फेस्टेंस के बाद में है वीट में लूज स्मट,
बीट में एक डिजिट है, लूज स्मार्ट ऑफ, ये सारे जो है वो फंगाई के चैप्टर में भी आ चुका है, तो वहां से भी आप रिवीजन कर सकते हैं और यहां से भी आप कर सकते हैं। यूस्टुलैगो नूडा ट्राइटिकी, यूस्टुलैगो नूडा ट्राइटिकी, फिर उसके बाद में है ब्राउन रस्ट ऑफ वीट, ब्राउन रस्ट ऑफ वीट, पक्सिनिया रिकॉन्डिटा, पक्सिनिया रिकॉन्डिटा, फिर ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, ब्लैक रस्ट रिस्ट में पी ग्रामिनी ट्राइटिकी यानी पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्राइटिकी, येलो रस्ट ऑफ वीट, येलो रस्ट ऑफ वीट, येलो रस्ट ऑफ वीट में पी यानी पक्सिनिया एस्ट्री फोर नीम मिस, और इसी को कहते हैं पी ग्लूमेरा। वीट के लिए हो गया, वीट के बाद में है शुगर केन, शुगर केन में है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, कोलेट्राइकम फाल्केटम, कोलेट्राइकम फाल्केटम, फिर उसके बाद रेड स्ट्रिप ऑफ शुगर केन, स्यूडोमोनास स्यूडोमोनास रूब्रिली, रूब्रिलियन क्रूसीफर्स, क्रूसीफर्स ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, जैंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस, मोनास कॉम्पेस्ट्रिस, कॉम्पेस्ट्रिस, राइस बैक्टीरियल ब्लाइट, जेंटोमोनास ओरिजिन, टोबैको टोबैको में टोबैको मोजाइक डिजीज, टोबैको मोजाइक डिजीज टीएमवी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, टर्निप टर्निप में टर्निप मोजाइक डिजीज,
मोजाइक डिजीज, टर्निंग मोजाइक वायरस, टर्निंग मोजाइक वायरस या भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, टर्निंग मोजाइक वायरस। तो ये जो हुए वो कुछ इंपॉर्टेंट क्या हो गए, डिजीज हो गए किसमें, तो कमर्शियल प्लांट में। ये आपको पूरा याद रखना बहुत जरूरी है, ये आपको फंगाई के चैप्टर में भी काम करेगा, इस चैप्टर में भी काम करेगा। तो ये सब इंटरलिंक टॉपिक हैं जो आपको एक साथ दो दो चैप्टर को कवर करते हैं, तो आपको इसको थोड़ा सा मेमोराइज करके रखना है ताकि आपको दोनों जगह ये अच्छे से काम आ सके। ओके, अब आइए देखते हैं हम लोग मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेसिस्टेंस, मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेसिस्टेंस, क्या क्या मेथड हम लोग करते हैं डिजीज रेसिस्टेंस प्लांट बनाने के लिए। तीन तरह के मेथड का यूज करते हैं, एक होता है कॉन्वेंशनल ब्रीडिंग, फोर तरह का यूज करते हैं कॉन्वेंशनल ब्रीडिंग। बी में ये अगर ए कर दिए हम लोग, ये बी हो गया। बी में म्यूटेशन और सी में सिलेक्शन ऑफ सिलेक्शन अमाउंट। सेलेक्शन एमॉन्ग सोमाक्लोनल वेरिएंट, सोमाक्लोनल वेरिएंट्स और डी में जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये चार टेक्निक का हम लोग मेथड जो है, चार अलग अलग मेथड से हम लोग डिजीज रेसिस्टेंस प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। ठीक, ओके। तो कॉन्वेंशनल ब्रीडिंग से, म्यूटेशन से, सेलेक्शन अमाउंट, सोमाक्लोनल वेरिएंट से और जेनेटिक इंजीनियरिंग से। आइए सबसे पहले ए में हम लोग देखते हैं कॉन्वेंशनल ब्रीडिंग। कॉन्वेंशनल ब्रीडिंग में दो चीज इंक्लूड होता है, एक होता है हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा होता है सिलेक्शन। तो ये दो प्रिंसिपल पे काम करता है, एक है हाइब्रिडाइजेशन और तब उसका सिलेक्शन। और इसमें कौन कौन से मेथड इंक्लूड होते हैं कॉन्वेंशनल ब्रीडिंग करने के लिए, यानी जो हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन हमें करना है इसके लिए क्या क्या मेथड यूज करते हैं। मेथड फॉर कॉन्वेंशनल ब्रीडिंग, तो देखिए स्क्रीनिंग जर्म क्लाज, स्क्रीनिंग जर्म क्लाज फॉर डिजीज रेसिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड पैरेंट सिलेक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ हाइब्रिड, सिलेक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ हाइब्रिड
एंड फोर्थ में फिर टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज। टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज, ये चार इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो गए, मेथड हो गए, ठीक है। तो मेथड या स्टेप फॉर कन्वेंशनल ब्रीडिंग के लिए चार चीज करते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ जर्मप्लाज्म। जर्मप्लाज्म कल भी आया था कि किसी एक प्लांट के एलील के वो सारे जीन का हम लोग जो सिलेक्शन करते हैं दैट इज कॉल्ड जर्मप्लाज्म। अब कुछ प्लांट हैं क्रॉप वेराइटीज एंड रेसिस्टेंस टू डिजीज, रेसिस्टेंस टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ पूछता है इससे। ये वीट, वीट वेराइटी का नाम क्या है, ये वीट के नाम है, वीट के वेराइटी का एक नाम है हिमगिरी। तो आपसे पूछ देगा कि हिमगिरी इज रेसिस्टेंस टू, तो हिमगिरी प्लांट यानी वीट के हिमगिरी वेराइटी जो है वह किसके रेसिस्टेंस है, किस डिजीज से रेसिस्टेंस है, तो आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा। तो लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट या इसी को कहते हैं हिल ब्लंट, ये फिर हिल ब्लंट डिजीज। फिर है ब्रासिका, ब्रासिका, ब्रासिका जो है वह उसका वैरायटी का नाम है पूसा स्वर्णिम, पूसा स्वर्णिम या इसी का नाम है करण राई। ये व्हाइट रस्ट से रेसिस्टेंस है। फिर है कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर पूसा सुभ्रा, पूसा सुभ्रा, ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट, ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट, कर्ल ब्लाइट, कर्ल ब्लाइट, ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट से रेसिस्टेंस होता है। फिर है कॉपिया, कॉपिया का वेराइटीज का नाम है पूसा कोमल, पूसा कोमल, ठीक है। पूसा कोमल बैक्टीरियल ब्लाइट से रेसिस्टेंस होता है, बैक्टीरियल ब्लाइट से, ठीक है। पूसा सुभ्रा को पूसा स्नोबॉल भी कहा जाता है, कंफ्यूजन आपको ना हो, ये इसी को करण राई और फिर ये इस तरह से हो गया, ठीक। अब है चिली प्लांट का, ये वीट हटा देते हैं अब हम, इसी में अब चिली कर देते हैं। चिली का एक वैरायटी का नाम है पूसा सदाबहार, पूसा सदाबहार, ये किससे रेसिस्टेंस होता है, तो ये रेसिस्टेंस होता है चिली मोजाइक, चिली मोजाइक वायरस टोबैको मोजाइक वायरस
टोबैको मोजाइक वायरस वायरस एंड वायरस एंड लीफ कर्व। इतने सारे डिजीज से यह रेसिस्टेंस होता है कौन? फूसा सदाबहार, जो किसका वैरायटी है? तो चिली का है वैरायटी है। ठीक है, तो ये कुछ नाम हो गए। चलिए एक भिंडी का हम लोग देखते हैं, जो हम भिंडी बहुत ज्यादा यूज करते हैं सब्जी के रूप में, तो उसका एक वैरायटी डेवलप किया गया जो वायरस के डिजीज से रेसिस्टेंस हो। भिंडी में येलो मोजाइक वायरस से रेसिस्टेंस होने वाला एक जीन को भिंडी की एक वैरायटी में इंट्रोड्यूस किया गया। क्या क्या कह रहे हैं? तो रेसिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस येलो मोजाइक वायरस वाज इनकॉर्पोरेटेड इन भिंडी अविल मोस्कस इस्पुलेंटस अबेलमोस्कस फ्रॉम ए वाइल्ड स्पेसीज अबेलमोस्कस मैनिहॉल अबेलमोस्कस मैनिहॉट द न्यू रेसिस्टेंस वैरायटी ऑफ ए स्पुलेंटस ए स्पुलेंटस इज कॉल्ड परभनी क्रांति PRBHAN देखिए परभनी क्रांति भिंडी के न्यू वैरायटी का नाम है जो येलो मोजाइक वायरस के रेसिस्टेंस है। ठीक है, और ये किससे डेवलप हुआ है? तो ये जो भिंडी का एक स्पेसीज है इसी का नाम है ए स्पुलेंटस स्पेसीज नेम हुआ और इसी का नाम हुआ परभनी क्रांति। तो सिंपल वे में एकदम इतने सारे बातों का अगर एक लाइन में कहा जाए तो परभनी क्रांति क्या है? तो परभनी क्रांति भिंडी है जो क्या है? रेसिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस। बस हो गया, काम खत्म। इतना भी अगर आप ध्यान में रखते हैं कि इतनी सारी बातों का यही सार है बस। अब आइए म्यूटेशन बी पॉइंट है। तो म्यूटेशन में देखिए इट इज द प्रोसेस बाय विच इट इज द
प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशन आर created through changes in the base sequence within the base sequence का मतलब DNA के genetic base में, ठीक है ना। तो वहां पर बेस जो नाइट्रोजिनस बेस होता है उसके सीक्वेंस में जो चेंज करते हैं, तो नाइट्रोजिनस बेस किसमें है, डीएनए में है। तो डीएनए के नाइट्रोजिनस बेस में यानी उसके बेस के सीक्वेंस में जो चेंज करते हैं वही म्यूटेशन है। थ्रू चेंजेस इन बेस सीक्वेंस विद इन जीन रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ new characters or trait, the agent that cause the agent that cause mutation is called mutagen। First में chemical mutagens, a variety of chemical chemicals like ethyl methane sulfonate and sodium azide induce mutation। उसके बाद second physical म्यूटेशन का मतलब सिंपल वे में एक चीज समझो कि डीएनए के सीक्वेंस में जो चेंज होता है उसको म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन किसी एजेंट से अगर होता है तो उस एजेंट को म्यूटाजेन कहते हैं। म्यूटाजेन दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल और केमिकल। ऐसे म्यूटेशन में तीसरा बायोलॉजिकल भी बताएंगे, बट यहां पर केमिकल म्यूटाजेंस, ऐसा कोई भी एजेंट जो म्यूटेशन काउज करता है उसको म्यूटाजेंस। तो म्यूटेशन है क्या, तो डीएनए के सीक्वेंस में जो चेंजेस होता है उसे हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। अब जिस एजेंट से यह सीक्वेंस में चेंजेस आएगा उसी को म्यूटाजेन, और यह म्यूटाजेन दो तरह का है, एक फिजिकल म्यूटाजेंस और दूसरा केमिकल म्यूटाजेंस। ये तो हम लोग समझ गए। जरूरी नहीं है कि किसी एजेंट से ही म्यूटेशन हो, एस्पॉन्टेनियस म्यूटेशन भी होता है। एस्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का ही रिजल्ट है कि इवोल्यूशन के थ्रू बैक्टीरिया से हम लोग होमो सैपियंस सैपियंस तक पहुंचे हैं, तो ये म्यूटेशन का ही देन है। तो म्यूटेशन एस्पॉन्टेनियसली यानी धीरे धीरे काफी स्लो प्रोसेस में जो होता है उसको एस्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। अब देखिए फिजिकल म्यूटाजेंस, सेवरल काइंड ऑफ रेडिएशन लाइक गामा रेज, एक्सरे, यूवी रे, इतिसिकॉप
कॉज म्यूटेशन। तो वो सभी क्या कॉज करते हैं? म्यूटेशन करते हैं। तो म्यूटेशन के थ्रू जो हम लोग कुछ प्लांट को डेवलप किए हैं उनके थोड़े से कुछ नाम को देख लीजिए। जैसे कुछ मैक्सिकन वैरायटी जो हैं, मैक्सिकन ब्रीड और इम्प्रूव वैरायटी, इम्प्रूव वैरायटी तो सोनोरा 64 एंड लर्मा रोजो, सोनोरा 64 का सरवती सोनोरा, एंड पूजा लर्मा। ओके, तो ये दोनों जो है वो म्यूटेशन के थ्रू डेवलप किए। तो म्यूटेशन किसमें किया गया? सोनोरा 64 में म्यूटेशन करके सरवती सोनोरा, लर्मा रोजो में म्यूटेशन करके ये पूसा लर्मा, PUSA, हाँ ये पूसा लर्मा डेवलप किया गया। अब आइए वो जो लास्ट नंबर का वो सोमाक्लोनल वेरिएंट था सी में, सिलेक्शन अमंग सोमाक्लोनल वेरिएंट्स, जेनेटिक वेरिएशन अमंगस्ट प्लांट सेल ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड सोमाक्लोनल वेरिएंट्स। और लास्ट डी में जेनेटिक इंजीनियरिंग, आप लोग बायोटेक्नोलॉजी नहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी बायोटेक्नोलॉजी के दो चैप्टर हैं आपके सिलेबस में, ठीक है। तो दोनों चैप्टर को एक एप्लीकेशन है और दूसरा प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है। तो दोनों चैप्टर में आपको ये, तो जो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है तो कैसे बायोटेक्नोलॉजी करते हैं वो पूरा चीज उस चैप्टर में आपको जानना है। तो जैसे एग्जांपल के रूप में देखो, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो न्यू ब्रीड तैयार किया गया कॉटन, बीटी कॉटन, बैचलर फ्लोरेंजियंसिस कॉटन, बीटी ब्रिंजल यानी बैचलर फ्लोरेंजियंसिस ब्रिंजल, ये सारे चीज वहां आप देखेंगे। तो बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल इज द एग्जांपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ब्रीड। देखिए तो जेनेटिक इंजीनियरिंग वन और मोर जीन फॉर डिजीज रेसिस्टेंस आर टेकन आउट एंड इनकॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड इनटू कल्टीवर्स। तो जिस प्लांट का एग्रीकल्चर करना है, ठीक है, जिसका कल्टीवेट करना है, उस प्लांट में उस डिजीज रेसिस्टेंस जीन को मिला देते हैं यानी इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, तो उससे जो है वो न्यू वैरायटी डेवलप हो जाता है। तो ये सब चार बात जो है वो हमारा मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेसिस्टेंस।
इसके बाद का हमारा टॉपिक है मेथड फॉर ब्रीडिंग, मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेसिस्टेंस। अभी डिजीज रेसिस्टेंस देखें, इसके बाद में हम लोग इंसेक्ट रेसिस्टेंस प्लांट को देखेंगे। ओके, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।